गांव रामसरा में वामपंथी पार्टियों की जींद रैली को लेकर खेत मजदूर की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जगदीश शर्मा ने की। मुख्य वक्ता के तौर पर बोलते हुए सीपीआईएम जिला सचिव मंडल सदस्य कॉमरेड विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि 9 मार्च को जींद में वामपंथी पार्टियों की बदलाव संदेश रैली को लेकर गांव गांव अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर जत्थे चलाकर मीटिंग भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव ज्यो ज्यो नजदीक आ रहा है, देश व प्रदेश की भाजपा सरकार ने आक्रामक ढंग से सांप्रदायिक और कारपोरेट पूंजीप्रस्त नीतियां लागू करके बहुपक्षीय हमले किए हैं। देश का भविष्य आज दांव पर है। भाजपा आरएसएस ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए देश व प्रदेश में धार्मिक और जातिवाद आधार पर नफरत और हिंसा को बढ़ावा देकर समाज में विभाजन पैदा करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की बेरोजगारी नीतियों की वजह से ही आज युवा का भविष्य अंधकार में है। नई शिक्षा नीति बनाकर शिक्षा का व्यापारीकरण और सांप्रदायिकरण किया जा रहा है। आज अभूतपूर्व बेरोजगारी पैदा हुई है, वहीं 2 करोड़ रोजगार देने का वादा जुमला साबित हुआ है। छोटे उद्योग और कारोबार बंद हुए हैं। उन्होंने बताया कि इन मांग मुद्दों को लेकर जींद रैली का आयोजन किया जाएगा जिसमें माकपा के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी, कॉमरेड सुरेंद्र मलिक, कॉमरेड इंद्रजीत सहित कई नेता भाग लेंगे। इस मीटिंग में हनुमान बेनीवाल, राजेंद्र सिंह, सोनू छोटी देवी बतेरी, सुनीता दर्शना शीला, अनु गाढ़ सिंह, राम स्वरूप, राम कुमार जय सिंह, होशियार सिंह, कुलविंदर सहित कई लोग मौजूद रहे और उन्होंने जींद रैली की तैयारियों के बारे में भी विचार विमर्श किया और लोगों को जींद रैली में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।